हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुडिंग स्पोर्ट 11 में। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स पार रॉक्स और फ्रेंड्स यहाँ पे टसमैन स्पार्टन्स के बीच में जो मजासी सुपर लीग का अगला मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से टसमैन स्पार्टन्स का क्या परफॉर्मेंस रहा था लास्ट मैच का, वो सारा रिकॉर्ड हम आपके लिए लेके आए हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है पार रॉक्स की, वो फ्रेंड्स हम आपकी इस वीडियो में बढ़ाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियोस आएंगे किसी मैच के वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चले फ्रेंड्स यहां से बात करते हैं दोनों टीमों की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पार रॉक्स की प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से ये रहने वाली है। कैमरॉन डेलफोर्ड फ्रेंड्स आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे, इसके बाद फ्रेंड्स माइकल क्लिंगर साथ में आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे हेनरी डोआस आपको वन डाउन खेलते हुए दिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ पे जार्स वेल ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए ग्रैंट है थॉमस बहुत बढ़िया प्लेयर है फ्रेंड्स, आपको देखिए 5 नंबर पर खेलते हुए मेरे हिसाब से देखना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो मंगलोसिया आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, यहाँ से डेविड वाइस हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए इन दोनों प्लेयर से थोड़ा सा डाउट रहने वाला है, आप फ्रेंड्स इनको मेरे हिसाब से दूरी कर दीजिएगा। आपको यहाँ से मोर के खेलते हुए दिख जाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से ड्वेन ड्वेन ब्रावो है फ्रेंड्स, आपको ड्वेन ब्रावो लगभग यहाँ से 5-6 नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे फ्रेंड्स, ये चीज़ का आपने बिल्कुल याद रखना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं तो आपके पास विजोरन है, ये आपको खेलते हुए दिख जाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ से ड्वेन पैटरसन, तो फ्रेंड्स ये 11 प्लेयर मेरे हिसाब से कन्फर्म प्लेयर है फ्रेंड्स। इनमें से जो प्लेयर आपने लेना है आप बिल्कुल अपनी टीम में यहाँ से प्लेयर को पिक कर सकते हैं फ्रेंड्स। बात करते हैं देखिए यहाँ पे जो टसमैन स्पार्टन का जो परफॉर्मेंस रहा था पहले मैचेस का, वो फ्रेंड्स आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे जियान वुडचो और फ्रेंड्स यहाँ पे जॉर्जी ओपनिंग आए थे, तो फ्रेंड्स इनका क्या परफॉर्मेंस रहा आप देखिए 3 रन बनाए इन्होंने। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टोनी को देख सकते हैं 6 रन बनाए इन्होंने। फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं टोनी थोड़े से रिस्की रहने वाले, इनके रिप्लेसमेंट में कौन आएगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डीन एलगर बहुत अच्छी टच में नजर आया फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्लेयर है, आप इनको बिल्कुल पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एबुडियस, लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने इनको कैप्टन भी रखा था और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। आपने फ्रेंड्स यहाँ पे यदि हमारा लास्ट टाइम वीडियो देखा होगा तो अच्छा मोटिवेट किया होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए रायल और रोसो आपको यहाँ से मिडिल ऑर्डर पर खेलते हुए दिख जाएंगे, और फिर T20 का बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। आप यहाँ पे देखिए रॉबर्ट फ्रैंकलिन है, 1 विकेट निकाला है इन्होंने लास्ट मैच में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे शॉन है, तो फ्रेंड्स ये थोड़े से मेरे हिसाब से रिस्क रहने वाले क्योंकि इनसे मात्र 1 ही ओवर कराया गया था। यदि आपने मैच देखा होगा तो फ्रेंड्स इनको कोई विकेट नहीं मिला था, ज़्यादा मार पड़ गई थी इनको। इसके बाद देखिए यहाँ पे रोनी है, रोनी आपको खेलते हुए दिख जाएंगे, इनको भी कोई विकेट नहीं मिला। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए जो मैं बात करने वाला था, यहाँ से फ्रेंड्स आपको जॉर्जी की जगह पे फ्रेंड्स यदि खेलते हुए कोई देख सकता है तो फ्रेंड्स वर्नी है, टीम चाहे तो फ्रेंड्स इनको बिल्कुल मौका दे सकते हैं, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। तो फ्रेंड्स ये चेंज का आपने बिल्कुल भी ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ से जीवन मेंडिस की, तो आप देख सकते हैं यहाँ फ्रेंड्स 9 नंबर पर इनको खेलने के लिए लाया गया था एज ए ऑलराउंडर। फ्रेंड्स 9 नंबर पर खेलना कोई बहुत मतलब वैसा है, आप देख सकते हैं इधर पर 9 नंबर पर कोई ऑलराउंडर फ्रेंड्स इनके लिए ऑप्शन है नहीं इधर पे। तो फ्रेंड्स इनने देखिए 1 विकेट जरूर निकाला यहाँ पे, लेकिन फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं इधर पे। इसके बाद देखिए एंड्रू बिज ने फ्रेंड्स यहाँ पे 2 विकेट निकाला, अच्छा परफॉर्मेंस दिया फ्रेंड्स इधर पे। और आपके पास लूथो का ऑप्शन था, इनको कोई विकेट नहीं मिला फ्रेंड्स। ये थोड़े से आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से जो न्यूज आ रही है तो इनमें से थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से आपने ग्रैंड लीग में ट्राई करना तो आप बिल्कुल दोनों प्लेयर को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप यदि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखना चाहते हैं मेरे हिसाब से फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कम ही रखिएगा तो फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहने वाला है फ्रेंड्स यहाँ से। बाकी मैं आपको बताऊँ, आपको फ्रेंड्स यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करिए, आप सेफ खेलिए एकदम, मैं आपको बता दे रहा हूँ आप बिल्कुल सेफ खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स उसके लिए आपको साइन अप करना होगा, यहाँ पे लीग एक्स पे रेफर कोड दिया है फ्रेंड्स। लीग एक्स पे आप जैसे ही साइन अप करेंगे आपको यहाँ से 2500 रुपये का कैश बोनस मिल जाएगा, और फ्रेंड्स लीग एक्स पे आपको 200 रुपये का कैश बोनस भी मिलता है। तो फ्रेंड्स ये दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया बात रहने वाली है। लीग एक्स पे फ्रेंड्स आप टॉस होने के बाद में अपनी टीम को लास्ट तक एडिट कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ आपको कोई भी प्लेयर बिल्कुल भी मिस नहीं होगा। यहाँ पे भी बहुत बढ़िया लीग आती है, आप हेड टू हेड अप टू 3 मेंबर 4 मेंबर जिसमें भी आप खेलना चाहते हैं आप खेल सकते हैं। ग्रैंड लीग में बहुत बढ़िया यहाँ से फ्रेंड्स रहता है आपको अमाउंट विन करने के लिए। और फ्रेंड्स आप हाला प्ले पे जरूर साइन अप कर लेना, यहाँ पे ये रेफर कोड दिया है, हाला प्ले पे आप साइन अप करते हैं फ्रेंड्स यहाँ से आपको 100 रुपये मिल जाएगा जो कि आप 100% यूज कर पाएंगे हाला प्ले पे फ्रेंड्स। और दोनों टीमों का आपको पता ही है प्लेइंग 11 पता चल जाता है टॉस होने के बाद में, तो फ्रेंड्स आप यहाँ साइन अप जरूर करना, आपको 100 रुपये मिल जाएगा जो कि आप फ्री है एकदम, आप यहाँ से 100% यूज कर पाते हैं। और फ्रेंड्स हाला प्ले पे अपनी टीम को लास्ट तक आप एडिट कर पाते हैं, और साथ में हाला प्ले से देख के आप अपनी टीम को लीग एक्स पे भी एडिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स दोनों आपके लिए बहुत बढ़िया साइट रहे वाले हैं मेरे हिसाब से, आप यहां पे जरूर इन पे साइन अप करके अच्छा अमाउंट विन कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे विकेट कीपिंग में आपके पास दो ऑप्शन एकदम सेफ रहने वाले हैं। आपको पता है यहाँ से मुसेले आपको खेलते हुए दिख जाएंगे और फिर जियान गोचे। अब फ्रेंड्स इनका बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो देखिए जियान गोचे आपको पता ही है ओपनिंग करने के लिए आते हैं और फ्रेंड्स ये आपको लगभग 4 से 5 नंबर पर खेलते हुए दिख सकते हैं मिडल ऑर्डर में। तो फ्रेंड्स आपने डिसाइड करना है आपको किन को पिक करना है। और जियान गोचे का एक बार बताया फ्रेंड्स इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है इनका अब तक के मैचेस में, तो आप फ्रेंड्स इनको भी ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए ओपनिंग आएगी तो स्मॉल लीग में हमारे लिए ये ऑप्शन बढ़िया रहने वाला है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ से देखिए बात करते हैं तो एबी डिविलियर्स को लास्ट टाइम भी हमने कैप्टन रखा था और फ्रेंड्स बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, अच्छे टच में नजर आए थे। और फ्रेंड्स इसके बाद देखिए फाफ डुप्लेसिस और इयान मॉर्गन, इनका कोई न्यूज नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे खेलेंगे नहीं खेलेंगे। आपको मिचेल क्लिंगर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे यहाँ से ओपनिंग भी करने वाले, तो फ्रेंड्स आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हैं। एडम मरगराम यहाँ से नहीं खेलने वाले, इनको बिल्कुल ही अपने आप बिल्कुल पिक नहीं करना है। यहाँ से फ्रेंड्स बात करते किसी और प्लेयर की तो आप फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं पॉल स्टर्लिंग को आपने बिल्कुल भी पिक नहीं करना, किसी भी लीग में पिक नहीं करना है दोनों प्लेयर को फ्रेंड्स, ये मेरे हिसाब से नहीं खेलने वाले। और पॉल स्टर्लिंग को बिल्कुल भी पिक मत ही करना। आप यहाँ से देखिए कैमरन डेलफोर्ड मेरे हिसाब से ओपनिंग करने वाले हैं तो आप इनको ले सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स डेनियल अगर आपको खेलते हुए दिख जाएंगे और दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेयर फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपने डेनियल का परफॉर्मेंस देखा होगा लास्ट मैच में। इसके बाद फ्रेंड्स इसके बाद बात करते हैं राइलो रूसो, तो राइलो रूसो फ्रेंड्स आपको मिडल ऑर्डर में खेलते हुए दिख जाएंगे, आपने इनको लेना तो आप बिल्कुल अपनी टीम में पिक कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखिए इसके बाद बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये सारे प्लेयर इसके बाद रिस्की रहने वाले हैं, यदि आपने ट्राई करना तो आप बिल्कुल ट्राई कर लीजिए। आपको मैंने यहाँ से जोनी को बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जगह मैंने जैसे फ्रेंड्स आपको बताया ये प्लेयर आ सकता है, तो फ्रेंड्स आप इन ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप किसी और प्लेयर पर मत ही जाइएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं ऑलराउंडर की, तो देखिए ऑलराउंडर में फ्रेंड्स आपके पास ड्वेन ब्रावो का एकदम सेफ ऑप्शन है और आपको फ्रेंड्स यहाँ से लगभग 6 से 7 नंबर पर खेलते हुए दिख जाएंगे, तो फ्रेंड्स आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हैं। आपको पता है बहुत ही बढ़िया प्लेयर है और फ्रेंड्स से मेरे हिसाब से डेथ ओवर में बॉले भी कराने वाले, तो फ्रेंड्स आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रह सकता है, आप इनको ले सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से और किसी प्लेयर के रिलेटेड न्यूज नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल भी अपनी टीम में मत पिक करिएगा स्मॉल लीग की में। आपके पास ग्रेंट थॉमस एकदम सेफ ऑप्शन है, आप बिल्कुल अपनी टीम में लीजिए, बहुत बढ़िया प्लेयर फ्रेंड्स, आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। डेविड वाइस आपको खेलते हुए दिख जाएगा तो आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते हैं किसी और प्लेयर की, तो देखिए फ्रैंकलिन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है, आप इनको बिल्कुल अपनी टीम में पिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए जियोन मेंडिस, जियोन मेंडिस का आपको बताया फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 9 नंबर पर खेलने के लिए आए थे, तो फ्रेंड्स ऑलराउंडर के हिसाब से तो अच्छा ऑप्शन नहीं है पर इन्होंने एक विकेट निकाला था, तो फ्रेंड्स आप इन बिल्कुल अपनी टीम में ले सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास इनका ऑप्शन है जो फ्रेंड्स यहाँ से नहीं खेलने वाले, तो फ्रेंड्स आपके पास ये फ्रैंकलिन का मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, आप यहाँ से ग्रेट थॉमस को लेना चाहते हैं तो बिल्कुल पिक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ से ड्वेन ब्रावो का एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है। फिलहाल बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे बॉलर की, बॉलर में आपके पास देखिए कोई प्लेयर यहाँ से ऊपर नहीं खेलने वाला मेरे हिसाब से, तो आप बिल्कुल भी इनको अपनी टीम में मत पिक करिएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ड्वेन पैटरसन आपके लिए एकदम सेफ ऑप्शन रहने वाला है, तो आप बिल्कुल इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए आपके पास यहाँ पे विजोरन का आपको जैसे मैंने बताया फ्रेंड्स इनका बहुत ज़्यादा चांस है खेलने के लिए, तो आपने ट्राई करना बिल्कुल कर लीजिएगा। आपको फ्रेंड्स यहाँ से रोरी खेलते हुए दिख जाएंगे तो आप इनको अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एंट्री ब्रिज लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस दिया फ्रेंड्स, इनको आपने टीम में ले लिया, ये थोड़े से रिस्की रहने वाले हैं, एक ओवर कराया गया था आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे इन दोनों प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बात करते किसी और प्लेयर की, तो फ्रेंड्स आप देखिए लूथो है और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था लूथो की जगह फ्रेंड्स ये प्लेयर आ सकते हैं, तो दोनों से आपको एक प्लेयर मेरे हिसाब से खेलते हुए दिखने वाला है, तो फ्रेंड्स ये डिसाइड आपने करना है आपने किनको अपनी टीम में पिक करना है, ये फ्रेंड्स आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए चॉइस रहने वाला है। बात करते हैं यहाँ पे किसी और प्लेयर की, तो फ्रेंड्स आप देखिए यहाँ से लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स हमारे पास कैरविन का, तो फ्रेंड्स कैरविन का बहुत कम चांस है खेलने का, पर फ्रेंड्स ये प्लेयर बहुत बढ़िया प्लेयर है, आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। मात्र इनका 5% है फ्रेंड्स यहाँ पे, लेकिन आपने चाहिए तो आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई बिल्कुल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए आपकी ये फाइनल टीम रह सकती है, एक प्लेयर आपके पास बच जाता है अभी 8.9 क्रेडिट का, तो फ्रेंड्स आप यहाँ से ग्रांट थॉमसन को ले सकते हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं डेविड वाइस को, दोनों बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं, और फ्रेंड्स आपको पता ही होगा आप ले सकते हैं जीवर मैंडिस को, तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप यहाँ पे ग्रेंट थॉमसन को ले सकते हैं और या आप ले सकते हैं डेविड वाइस, तो फ्रेंड्स आपकी ये टीम रह सकती है, फाइनल टीम आप देख सकते हैं इधर पे। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, तो फ्रेंड्स देखिए आपके पास टॉप ऑर्डर के प्लेयर जो फ्रेंड्स यहाँ पे एबी डिविलियर्स हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हैं कैमरन डेलफोर्ड हैं, डीन एवरेज बहुत अच्छे टच में नजर आ, माइकल क्लिंगर है, तो फ्रेंड्स चारों मेरे हिसाब से बढ़िया ऑप्शन रहने वाले हैं। आप चाहें तो फ्रेंड्स डिविलियर्स के साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे ड्वेन ब्रावो को बना सकते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स आपने चाहिए तो आप डेनियल एवरेज को भी ले सकते हैं और ड्वेन ब्रावो को ले सकते हो, फ्रेंड्स ये आपके लिए बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। मतलब 4-5 ऑप्शन दिए फ्रेंड्स आपको, आप इन्हीं में से मेरे हिसाब से कैप्टन वाइस कैप्टन रख लीजिएगा तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और फ्रेंड्स आपने किसी और को अपनी टीम में पिक करना है तो आप फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल भी पिक
कर सकते हैं। ये जरूर नहीं फ्रेंड्स जो मैंने बोल दिया यहाँ से आप उनको अपनी टीम में लेके जाएं, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल आपने अपनी मर्जी से सारे प्लेयर पे कर सकते हो। फ्रेंड्स एक बात और बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा कम रखिएगा इस मैच में तो फ्रेंड्स आपके लिए ज़्यादा अच्छा रह सकता है। बाकी फ्रेंड्स आपने यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो आप बिल्कुल करिए, ग्रैंड के लिए अच्छा मैच रह सकता है। बाकी फ्रेंड्स मेरे हिसाब से थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स कैमरन डेलफोर्ट हैं, यहाँ पे जियान गोट्स हैं, टीन एलगर हैं, विली विलियर्स हैं, इसके बाद माइकल क्लिंगर है, और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फ्रैंकलिन है, डेविड वाइस है, ड्वेन ब्रेवो है, और यहाँ पे रोरी हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एंड्रयू वेज है और ड्वेन पेटर्स है। तो फ्रेंड्स ये 11 प्लेयर मेरे रहने वाले हैं, और फ्रेंड्स कैप्टन वाइस कैप्टन के मैंने सारे ऑप्शन आपको दे दिए, तो आप बिल्कुल अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को जाकर एक लाइक कर दें, और फ्रेंड्स चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, उससे फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियोज आएंगे वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।